हम आप सब जानते हैं, देखते हैं कि 15 साल, 20 साल, 25 साल से ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान उनमें नहीं चल रहा है, संस्कार परिवर्तन नहीं होते। संस्कारों के लिए बहुत सारी बातें हमारे बड़ों ने कही हैं। एक जगदीश भाई ने बड़ी रमणीक बात एक बार अपने लेख में लिखी थी कि संस्कार तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ को अगर सीधा करना चाहो तो हो गया। कहते एक ने सोचा इसको मैं सीधा करके छोड़ू, तो उसने पूंछ को एक पाइप में डाल करके रख दिया और एक दो मास उसी पाइप के अंदर पूंछ को रखा, तो उसने पूंछ फिर से टेढ़ी। ऐसे बाबा के बच्चे रोज मुरली सुनते हैं, योग करते और कराते हैं, कोर्स भी कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन भी करते हैं, दूसरों को बहुत ऊंची धारणा की बातें भी सुनाते हैं, लेकिन अपने निजी संस्कार कभी न कभी वो अपना रूप दिखा देते हैं। कभी काम वासना के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी माया के पीछे। इस प्रकार का संस्कार अपना रूप दिखाता है। हम अच्छे संग में रहते हैं, अच्छा भोजन, उससे हमारे जब कभी ऐसा वायुमंडल हो जाता है, मुझे योग समझने की आवश्यकता है। निरंतर हमारी आत्मा पहले